नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर, आवेश से चालक की सतह पर बल। आवेश से जो चालक है इसकी सतह पर बल कैसे निकालना है अपन को, मैंने दो डायग्राम यहाँ मेंशन किए हुए हैं, मैं एक एक करके दोनों को सॉल्व करता हूँ और यहाँ से हमें फाइनल आंसर मिलेगा इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ है। किसी चालक की सतह के बिल्कुल नज़दीक की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मतलब ये होता है कि डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आप चाहे यहाँ निकालो, चाहे यहाँ निकालो, चाहे यहाँ निकालो, कहीं भी निकालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले मैं इसके ऊपर आता हूँ। यहाँ देखो, एक हमारे पास में आवेशित चालक है, चालक में चार्ज कहाँ चला जाता है, उसकी सरफेस पर। तो मैंने चार्ज क्यों दिया, पूरा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुका है ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। आवेशित चालक की सतह पर पूरी तरह से आवेश वितरित हो चुका है। इसकी चालक जो है, इसकी त्रिज्या मैंने मानी है कैपिटल आर। कितनी मानी है, कैपिटल आर। अच्छा, इसका एरिया कितना है, ए, एरिया ए, क्षेत्रफल। ये आ जाएगा आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व। और क्यू कितना, चार्ज कितना दिया, आवेश कितना दिया, क्यू। तो सबसे पहले हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम एक बात जानते हैं, हमने जब गाउस लॉ का एप्लीकेशन पढ़ा था तब वहाँ पर अपने चार्ज कंडक्टर लिया था और उसकी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आई थी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, आवेशित चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई थी, आवेशित चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आई थी, ई इक्वल टू आया था के क्यू अपॉन, या स्मॉल नहीं आया था, कैपिटल आया था, स्मॉल कहाँ आया था, बाहर आया था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको अपने बनाया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो यहाँ बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, मैं कराना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अपन को पता लग जाए। एक बार देखो ये जो मैंने यहाँ पर इसके पास में मैं इस पी पॉइंट को जो मैंने कहा है आवेश चालक की सतह पर, सतह का मतलब ये है कि इसके पास में कोई भी पॉइंट अपन ने क्या मान लिया, पी। तो अपन को इस P पॉइंट पर क्या निकालना है, बहुत नज़दीक है ये, अपने डायग्राम थोड़ा सा दूर बनाया है, बाकी इसके बहुत नज़दीक है, नैरो डिस्टेंस पर है, बिल्कुल इसे चिपका हुआ है, थोड़ा सा दूर है बस, बिल्कुल। तो E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर अपन ने पढ़ा हुआ है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। P पॉइंट का है बिल्कुल क्लोज है, किसके, इस चार्ज कंडक्टर के, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपॉन ए, या क्यू अपॉन एस ले सकते हैं इसको। तो क्यू कितना हो जाएगा, यहां से क्यू हो जाएगा मेरे सामने, क्यू इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, क्यूक्ट क्या हो जाएगा, सिग्मा इन टू ए। यहां पर देखें क्यू तो क्यू ही रहेगा, सिग्मा ए कितना हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा, अगर इसकी रेडियस कैपिटल आर है तो इसका एरिया हमारे सामने हो जाएगा फोर पाई, फोर पाई कैपिटल आर स्क्वायर। मैं लिखता हूं यहां पर एरिया ऑफ स्पेरिकल कंडक्टर, स्पेरिकल कंडक्टर ही है भाई, स्पेरिकल आवेशित गोलीय चालक, अपन कह सकते हैं गोलीय चालक का क्षेत्रफल, गोलीय चालक का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, फोर पाई आर स्क्वायर, अब आर स्मॉल नहीं है, कैपिटल आएगा, इक्वल टू ए। तो यहां इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी, इसको उठाए कर सकते हैं अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक से, तो E यहाँ पर आया, K आ गया, Q की वैल्यू कितनी आई है,
सिग्मा इंटू फोर पाई कैपिटल आर स्क्वायर, नीचे क्या है आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हुआ कैंसिल। अब बात करते हैं के की, के इक्वल टू क्या होता है, के इक्वल टू होता है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, के कूलाम कांस्टेंट वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि मीडियम यहाँ नहीं है वैक्यूम की बात कर रहे हैं, तो ई इक्वल टू के की वैल्यू वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा फोर पाई, फोर पाई से फोर पाई कैंसिल हुआ, दैट मीन्स आपका ई की वैल्यू आई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ आई है, पी पॉइंट पर आई है, वह पी पॉइंट जो इस स्पेरिकल कंडक्टर के अपन कहें चार्ज कंडक्टर के बहुत नज़दीक है, बिल्कुल पास में रखा हुआ है। ये तो मैंने आपको बताया डिस्टेंस, अपन ने यहाँ गाउस लॉ मैंने एप्लीकेबल नहीं किया है, गाउस लॉ से जो डेरिवेशन आया तो उससे अपन इसको सॉल्व किया है, बात क्लियर है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, बिल्कुल ऐसे ही डेरिवेशन है, इसको अपन गाउस लॉ से करते हैं। मैंने एक सरफेस ली हुई है और इस सरफेस पर चार्ज को मैंने बांटा हुआ है क्यू को, ठीक है। अब क्यों बांटा हुआ है, अब मैंने कहा मान लो इस चार्ज कंडक्टर के बिल्कुल नज़दीक, मैंने बिल्कुल नज़दीक एक पॉइंट पी ले लिया और इस पी पॉइंट पर निकालना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले मैंने पी पॉइंट माना है, अब गाउस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इसको मैंने क्लोज किया है, तो देखो इसको पहले अपने यहाँ क्लोज किया, फिर यहाँ क्लोज किया, फिर एक सिलेंडर लगाया, क्लियर है। अब क्या करना है आगे, यहाँ एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पर, एक कंडीशन यहाँ पर है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, जीरो, क्योंकि चार्ज क्या होता है, जीरो। अब ये जो आप पूरा रेड वाला पार्ट देख रहे हो ना, इस पूरे पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, जीरो हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तो मतलब ही नहीं है, जीरो। यहाँ भी क्या हो जाएगी, पूरी जीरो, क्योंकि कहाँ है ये, इस चार्ज कंडक्टर के अंदर है, और चार्ज कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज ना होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो या शून्य हो जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पर, अगर अपन यहाँ से बात करें, मैंने इसको नाम दिया फाई वन, इसको नाम देता हूँ फाई टू, और इसको देता हूँ फाई थ्री, ताकि आपको क्लियर थोड़ा सा अच्छे से हो जाएगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं फाई की, तो फाई हमारे पास कितना आएगा, मैंने कहा फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी एस वेक्टर, तो यहाँ फाई इक्वल टू, देखो यहाँ कितना आ रहा है, जीरो। यहाँ की बात करते हैं, अगर प्लस चार्ज यहाँ पर, प्लस चार्ज यहाँ भी है लेकिन मैंने लिखा नहीं है, प्लस चार्ज अगर इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा, और थीटा कितना बन रहा है इन दोनों के बीच का, 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ से फाई वन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से लिखा मैंने इसको क्लोज इंटीग्रल ऑफ एस वन ई डी एस कॉस थीटा प्लस, यहाँ से निकालेंगे सेम कंडीशन आ जाएगी, एस टू, इसको एस टू मान लिया, ई डी एस कॉस थीटा, और थर्ड वाला आ जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा। यहाँ देखो यहाँ कितना है ई, जीरो, यहाँ थीटा कितना है 90, और यहाँ थीटा कितना है 0 डिग्री। अब आप यहाँ देखो द डायरेक्शन ऑफ ई एंड डायरेक्शन ऑफ डी एक्स आर एलोंग टू ईच अदर, एक दूसरे के अनुदिश हैं, एक दूसरे के समांतर है, तो यहाँ बच्चों थीटा बन जाएगा हमारा 0 डिग्री। तो आप क्या करते हैं, यहाँ से फाई अपन निकाला, ये पूरा कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 0, तो कितना बच्चा हमारे पास में क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी एस, क्योंकि कॉस 0 वैल्यू क्या होती है 1 होती है, इसको अपने सॉल्व किया तो ई बाहर आ गया, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एस भी अपन इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डी एस हमारे सामने क्या हो जाएगा, यहाँ से ई एस कर देंगे इसको। अब चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन, अपन ने क्या पढ़ा हुआ है अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन से हो गया, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ गाउस के नियम से क्या पढ़ा है, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या पढ़ा है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों को कंपेयर कर दो, इसको फर्स्ट इसको सेकंड डाल दो, या कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों कंपेयर करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को, तो क्या होने वाला है हमारे सामने, दोनों को कंपेयर कर देते हैं अपन एक बार, तो क्या आ जाएगा हमारे सामने, यहां से आ जाएगा ई एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बात करते हैं क्यू कितना है, क्यू कितना हो जाएगा,
सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एस, वहां पर ए था तो ए कर दिया मैंने, एस है तो एस कर देंगे कैंसिल करने के लिए, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन एस तो पुट कर देंगे, तो क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई एस इक्वल टू सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एस से एस कैंसिल तो ई इक्वल टू कितना आ गया, ई इक्वल टू आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों ही फॉर्मूले एक जैसे हैं लेकिन दोनों में मैंने कंडीशन अलग बता दी है आपको, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको।